भोजपुरी फिल्मों के बाद मोनालिसा ने अब टीवी में गाड़ा झंडा। जी हां, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पुरानी एक्ट्रेस में से एक और अब टीवी इंडस्ट्री में अपने नाम का झंडा गाड़ चुकी मोनालिसा ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। दरअसल हाल में न्यूज 18 इंडिया के शो सास बहू और देवरानिया ने एक अवार्ड शो करवाया था। इसमें उन्होंने टीवी इंडस्ट्री के लगभग सभी चेहरों को उनके काम के हिसाब से सम्मानित किया। वहीं भोजपुरी की दीवा और क्वीन मोनालिसा को भी उनके शो नजर में डायन के रोल के लिए बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर का अवार्ड मिला। मोनालिसा ने इस बात की खुशी जाहिर करते हुए इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट की और लिखा, 2016 जिस साल मैंने भारतीय टेलीविजन में एंट्री की थी, मैं मिश्रित भावनाओं, उत्साहित और घबराहट की बाढ़ में आशंका जता रही थी कि मेरा भविष्य क्या होगा। दो सबसे प्रसिद्ध रियलिटी शो में से बड़े ब्रेक मिलने के बाद मैं लगभग एक साल तक बिना काम के थी। सिर्फ मुझे पता है कि उन दिनों मेरा समय कैसे बीता। ऑडिशन के बाद मैं केवल भोजपुरी फिल्मों में अभिनय करने और नृत्य करने के लिए तैयार थी। फिर मुझे शुरू में केवल कुछ दिनों के काम के साथ एक छोटी सी भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन फिर भी मैंने इसे लिया क्योंकि एक छोटा सा काम दुनिया को मेरे प्रतिभा दिखाएगी। मुझ में मोह होना देखने के लिए गुल मैम और आतिफ सर को धन्यवाद, मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगी। यहाँ तक कि मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। एक नकारात्मक अभिनेता के रूप में मेरी कड़ी मेहनत को स्वीकार करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद और इसके साथ मैं और भी मेहनत करने का वादा करती हूँ। भाई वाह, मोनालिसा का ये इमोशनल पोस्ट देखकर तो उनके फैंस पक्का रो ही गए होंगे। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, मोनालिसा ने इस मुकाम तक आने के लिए इतनी मेहनत जो की है। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।